Congress party have done all preparations for our massive Bharat Bachao rally, which is going to be held on 14th of this month. This will be a historic rally against the anti-people policies of Narendra Modi government. Actually, it is a culmination of the agitational program of Congress party, which have done in all district level and state level throughout the country. Now, I think leaders and workers from Kanyakumari to Kashmir will participate in this massive rally. As we all know, Congress party is fighting against the anti-PP policies, economic slowdown, high unemployment rate, farmers' distress, like issues all over the country. You know that unemployment rate is 44 years high this time. On one hand, the entire country is suffering due to the economic crisis. On the other hand, every day we are hearing the news of women atrocities. Day by day, the atrocities against the women are increasing. Now we can see that price rise is also in the high. Onion prices are at the top, and now we are hearing the petrol diesel rise price also in the high. Therefore, this government is troubling the common people of the country. They are not interested to solve the problem of the common people of the country. On the other hand, they are very much busy with divisive policies. They are violating in their constitutional norms, and they are violating our parliamentary customs. The way in which they are bringing the CAB also, we can see that. The entire country is now agitating against this government. The rally should definitely demonstrate the anger and this protest of the people of the country. It should be a massive rally. And this is the official logo of the rally, Bharat Bachao rally. 14 दिसंबर को होने वाली भारत बचाओ रैली की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है, और जो जानकारी तमाम राज्यों से हमें प्राप्त हुई है उससे ये संकेत मिलते हैं कि रामलीला मैदान में होने वाली ये रैली एक ऐतिहासिक रैली रहेगी। भारत का आम नागरिक आज परेशानियों से जूझ रहा है, उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई है। भारत सरकार अस्तित्व में है या नहीं है, इस तरह की अब चर्चा होने लग गई है। तमाम स्तरों पर केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था का कोई कर्णधार है या कोई उसका संचालन कर रहा है या नहीं, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमज़ोर हो गई है, मंदी का वातावरण सारे तरफ नज़र आता है। नए उद्योग खुलना तो दूर, जो उद्योग खुले थे वो बंद पड़ रहे हैं। नए रोजगार का निर्माण होना तो दूर, जो रोजगार पर लगे हुए थे उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। और इस तरह से आज हमारा किसान भी बहुत बड़ी परेशानियों का सामना कर रहा है, और उसके ऊपर नैसर्गिक आपदा से भी वो जूझ रहा है। लेकिन भारत सरकार भारत के किसान को किसी तरह से राहत देने का काम नहीं कर रहा, उसके फसल को दाम नहीं, और उसको इन तमाम परेशानियों में किसी भी तरह से राहत देने का काम भारत सरकार कर नहीं रही। और इसीलिए समाज के तमाम वर्गों में, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो छोटे व्यापारी है, चाहे वो छोटे उद्योग चलाने वाले हैं,
चाहे वो किसान हैं, महिलाएं हैं, दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग है, भारत का तमाम नागरिक आज इस सरकार से परेशान है। और इसीलिए ये भारत बचाओ रैली जो 14 तारीख को होगी एक ऐतिहासिक रहेगी और कांग्रेस के तमाम लोग एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करेंगे ये भारत सरकार का पूरी तरह से विरोध करने के लिए। Any questions you want to ask? सर, विपक्ष के बाकी नेताओं को भी क्या इस रैली में आमंत्रित किया जाएगा? मतलब ये कांग्रेस की रैली या यूपीए की रैली होगी? इस कांग्रेस की रैली है, बिल्कुल ओनली कांग्रेस, कांग्रेस रैली है। बट क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं सर कि विपक्ष के नेता भी इस रैली में आए और संबोधित करें लोगों को? दैट वी विल सी। सर क्या कोई टारगेट तय हुआ है कि कितने लोग पहुंचेंगे रैली में, कोई इस तरीके का नंबर आप लोगों ने डिसाइड किया? एक्चुअली इट विल बी मैसिव रैली, मैसिव रैली। रामलीला मैदान स्वयं में बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन इस मैदान में समा पाएंगे इससे बहुत अधिक लोग इस रैली में शामिल होंगे। और मैं मानता हूं कि पिछले कई सालों में जितनी बड़ी रैली रामलीला मैदान पर नहीं हुई उससे भी बड़ी रैली ये 14 तारीख को होगी। नहीं, सवाल एक और पैदा होता है कि ये जो खासतौर से जो प्रांगण है और जो मंच है, यहाँ पे कई इतिहास रचे गए, चाहे इंदिरा गांधी जब जीत कराई हो पाकिस्तान से, उन्होंने भी यहीं पर रैली की थी, चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, तो क्या माना जाए कि ये रैली एक नई चेतना पैदा करेगी और इसके अलावा एक नई ताजगी आपकी पार्टी में शुरू होगा, एक नया मुहिम आप लोग शुरू करने वाले यहाँ से? देखिए, नई चेतना का संचार तो अब सारे तरफ नजर आ रहा है, वो यहाँ रैली से शुरू होगा ये कहना बराबर नहीं। तमाम राज्यों में पूरे जोर शोर से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अब संघर्ष की मुद्रा में आ गए हैं, सड़क पर उतर गए हैं। ये कहना होगा कि 14 तारीख की रामलीला मैदान में होने वाली रैली से मोदी सरकार का अस्त शुरू होगा, इससे और अधिक मैं क्या कहूँ। सर, आपने कहा सीएबी को लेकर भी एक जो है माहौल है, लोगों में गुस्सा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर तमाम लोगों में गुस्सा है, सामने जाहिर कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है प्रदर्शन। गृहमंत्री कह रहे हैं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है कांग्रेस पार्टी कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ है, इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है। एक्चुअली होम मिनिस्टर इज मिसलीडिंग द कंट्री, होम मिनिस्टर इज मिसलीडिंग द कंट्री। देयरफॉर द सिचुएशन इन द कंट्री इज नाउ लाइक दैट, the people of the country is in a divisive line. The government is trying to divide the people of the country to hide the sorrows of the people. Actually, the what is the issue of the people? Unemployment, mangai, this type of issues are there very much. Women atrocities day by day, every woman is attacking by the people, criminals. No action has been taken. Prime Minister is keeping silence. He is not uttering a word against this atrocities. Therefore, the government want to hide this type of issues which are hurting to them. Therefore, they are trying to divert the issue. They are trying to divide the people through this type of bill. This is a direct attack against the constitution. CAB is a direct attack against the constitution. Direct attack against our fundamental rights and values. Sir, one question. We will explore all the possibilities that we will call it.